शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो, बूढ़े भी जवान हो जाओगे, जिस्म के किसी भी हिस्से पर खारिश नहीं होगी। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पियो, रोज 1 इंच तक कद लंबा हो जाएगा। नकसीर का खून अगर बार बार आता हो, दिमाग कमजोर होने की निशानी है। अगर जबानी पर खाया जाए तो मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। जब आदमी काम की ज्यादती की वजह से थक जाए तो 1 कप चाय या कावा बनाए, इसमें पत्ती के साथ थोड़ी सी खुशखास डालकर जोश दे, फिर ये चाय पी ले, थकावट ऐसे दूर हो गई जैसे थी ही नहीं, जिसम बिल्कुल हल्का फुल्का और फ्रेश हो जाएगा। हेपेटाइटिस के मरीज रोजाना सुबह नहा 25 ग्राम पपीता खाए, हैरत अंगेज अफाका होगा, नहायत अजमुदा है। शलजम भूख को बढ़ाता है, खुश खांसी में मुफीद है, कब्ज कशा है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, बदन की कमजोरी को दूर करता है। फाख्ता का पर औरत के पल्लू से बांधलो, दौलत औरत के पीछे आएगी। 40 साल की उम्र के बाद हर रोज 2 लौंग खाओ, अपनी खुराक में शामिल करो ताकि आपके पट्ठे मजबूत हो, शुगर, दिल, जिगर और हड्डियों के मसाइल से भी बचे रहें। पानी में नींबू डालकर नहाने से बदन पर पसीना नहीं आता। अगर किसी नए शहर में जाओ तो वहां पर प्याज का इस्तेमाल करो, इससे शहर की बीमारियों से महफूज रहोगे। दवाई के साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाएं, इससे पहले 12 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कोई भी दुरूशरी पढ़े और दम करें, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। नहाने इमली का शरबत पीने से 70 दिन में मोटापा कम हो जाता है। सुन्नत के मुताबिक बैठकर पानी पीने के 5 फायदे। गुर्दे खराब नहीं होते, घुटने हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, दिल के वाल कभी बंद नहीं होते, दिमाग कमजोर नहीं होता। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से रंग सुर्ख हो जाता है और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए रोजाना नहाने 1 उम्दा पका हुआ आलू अच्छी तरह चबा कर खाएं, 1/2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आ जाती है, खुश्की खत्म हो जाती है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाएगा। खाना खाने के बाद सिर्फ 1/2 चम्मच सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। 50 ग्राम सफेद तिल, इसके हम वजन मिश्री मिला लें, रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मसाले की कमजोरी से निजात मिल जाएगी। रोजाना नहाने दही खाने से मैदे की तजाबियत खत्म होती है। नाखनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरगान होने की अलामत है। हाथ पांव सूर होने का मसला हो, 1 चम्मच शहद, अदरक, नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लें, इंशाल्लाह फाका होगा। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां खाएं। बाजरे की रोटी इंसान के जिस्म को चाको चबंद रखती है, जिस्म में चर्बी को कम करती है। अंडों का उबला हुआ पानी जाया ना करें, बल्कि ठंडा करके चेहरा धो ले, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएगी। रंग गोरा करने के लिए रात को दही लगाएं। कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त के कमजोर होने की निशानी है। अनार के छिलके का 1 छोटा सा टुकड़ा चबा लें, इससे एलर्जी ठीक हो जाती है। नाज़रीन, जामुन खाने से पेशाब की नाली को इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अलसी एक ऐसा पौधा है जो सेहत के लिए नहायत फायदेमंद है। अलसी के 1 या 2 चम्मच खाने से जोड़ों का दर्द, कैंसर, दिल की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कपड़े धोने के लिए जब भी वॉशिंग मशीन लगाएं, वॉशिंग मशीन के अंदर नींबू का रस डाल दें, इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा, कपड़ों की चमक बरकरार रहेगी। शुगर के मरीज लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें, यह बदन में इंसुलिन की मकदार को तवाजन रखता है। सोकर उठने के बाद जब नींद आने लगे तो ये दिमागी कमजोरी की निशानी है। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती दूर होती है। जो रात को इलायची वाला दूध पीकर सोता है, इसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। शाम को कम खाएं, जिंदगी भर मोटापा नहीं आएगा। जिनको ज्यादा गुस्सा आए, किशमिश खाया करें। जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को उबालकर इसका पानी सर पर लगाने से सर का दर्द ठीक हो जाता है और सर की खारिश भी दूर हो जाती है। रात को खजूर खाकर सोने से जिंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता और ना ही मैदा खुश्क होता है। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से दिमागी और जिस्मानी कमजोरी होना शुरू हो जाती है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो तो फालसे का जूस पीने से ठीक हो जाता है। केले पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज होता है।
सुबह उठकर एक टांग पर खड़े होकर नहारनों खजूर खाने से कभी कमजोरी नहीं होती। नाजरीन, नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। घर में सफेद रंग का पेंट करवाओ, घर में कभी मच्छर नहीं आएंगे। जिन लोगों की निगाह कमजोर है, इनको शलजम जरूर खानी चाहिए। आड़ू जिसमें खून की गर्दिश को बढ़ाता है, आंखों के लिए भी मुफीद है। जख्म पर नीम का रस लगाने से आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दिन में सिर्फ दो खीरे खा लेने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। नहाने के बाद पानी पीने से बदन की कमजोरी दूर होती है। खाम में अगर बकरी नजर आए तो जान लो कि आपके रिज़्क में बरकत होगी। मिश्री खाने से याददाश्त तेज होती है। इस मौसम में एक कच्ची लस्सी का गिलास इस्तेमाल करने से इंसान के मेदे को ताकत मिलती है। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। शरण की कशिश हुसन से ज्यादा होती है। माँ बाप की खिदमत से दोनों जहानों में अजमत है। एक खाने का चम्मच नींबू और एक खाने का चम्मच टमाटर का जूस लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं, इससे आपकी जिल्द शगुफ्ता और मुलायम हो जाएगी। नाजरीन, अनार मेदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सर है। निजाम इंहजाम की खराबियों को दूर करता है। मेहनत और काम करने के बाद एक गिलास गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफेद और मजबूत होते हैं। अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। ज्यादा खट्टी चीजें खाने से पट्टे कमजोर होते हैं। बदन में सुइयां चुभना जादू की निशानी है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को फर्द बख्शता है। दुबले पतले अफराद के लिए गन्ने का रस बहुत मुफीद है। कमजोरी को दूर करता है, जिस्म को फर्रा और सेहतमंद बनाता है। ऊंट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग का कैंसर नहीं होगा। अंडे की सफेदी नहारनों खाने से कभी शुगर नहीं होती। तांबे के बर्तन में खाना खाने से खाना जल्दी खराब नहीं करता और ना ही सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जवानी बरकरार रहती है, नजर को ठीक करता है। दिल की नालियां साफ करनी है तो चुकंदर को दही के साथ इस्तेमाल करें। इंसान की कदर इसकी जिंदगी में करें, मरने के बाद तो गैर भी कंधे पर उठा लेती हैं। पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए एक चाय का चम्मच तेल मिला दें। हर 10 दिन बाद 3 कतरे असली रोगन बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। नींबू पेशानी पर मसलने से सर दर्द ठीक हो जाता है। सेब दिल की हिफाजत करता है, खून नहीं जमने देता। नहाने के दौरान कभी खड़े होकर पेशाब मत करो, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। भैंस का गोश्त खाने से जिस्म पर मोटापा आता है। गाय का गोश्त खाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। नींबू के छिलके चबाने से सर दर्द में आराम मिलता है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है, वो रात के वक्त हरीर का मुरब्बा खा ले। हर चीज के लिए जेवर होता है और दस्तरखान का जेवर सलाद है, जो कि रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। रोटी के बाद एक नीम का पत्ता चबा लेने से पेट दर्द दूर होगा और रोटी भी जल्दी हजम हो जाएगी। किन्नो खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलती। नाजरीन, हैज और लकोड़िया की बीमारी की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। इस गोल खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो जाता है। ज्यादा गुस्सा कुत्ते मुदाफियत को कम कर देता है। जवानी वापस चाहती हो तो अदरक के उबले हुए पानी की चेहरे पर बाफ लो। टमाटर जाना खाने वाले के दिल की नालियां कभी बंद नहीं होती। शहर में अनाज शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। जल्दी बढ़ापा नहीं लाना चाहते तो खाने में पीसी हुई अदरक खाया करें। खाली पेट सोने से ग्रेस करें, क्योंकि ये उम्र में कमी का बायस बनता है। गर्मियों में नीम गर्म पानी पीने वाले लोगों को कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। इमली और आलू बुखारे के शरबत से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। रोजाना इस गोल के इस्तेमाल से मेदे की तजाबियत और जलन नहीं होती। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है, इस हल की मौजूदगी में एहसास करना उम्मीद है। अगर जिंदगी में हमेशा फिट रहना चाहते हैं तो नाश्ता बादशाहों की तरह करें। दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाएं, रात का खाना गरीबों की तरह खाएं। ज्यादा देर सोने से दिमागी सलाहियत कम होती है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम मिलाकर पीने से कमजोरी खत्म हो जाती है। नीम के पत्तों का पानी बालों पर लगाने से बालों में चमक पैदा होती है और बाल मजबूत होते हैं।
नाश्ते में सालन का इस्तेमाल जहनी बीमारियों से दूर रखता है। सरसों का साग और नारियल का तेल कैंसर की बीमारियों से बचाता है। शलजम साफ खून पैदा करता है, जिगर को ताकत देता है, जिगर की पथरी को तोड़ता है। शलजम खाने वालों को कमर दर्द और गुर्दे का दर्द नहीं होता। देसी अंडे की जर्दी में एक चम्मच शहद मिलाकर खाने से आंखों की कमजोरी का मसला हल हो जाता है। तेज नमक खाने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाता है। ज्यादा नहाने वालों के बालों का गिरने का मसला हो जाता है। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। असर और मगरब के दरमियान ताजा जलेबियां खाएं और इससे दिमागी कमजोरी दूर होती है। थकावट को कम करना है तो दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत पिया करें। एक साइंसदान ने तहकीक की है कि दूषित पड़कर जो दम किया जाता है, सांस में इस किस्म की बरकी रूह पैदा होती है जो मरीज पर नहायत खुशगवार असर डालती है। छींकें ना रुक रही हो तो खुशक दरिया हाथों पर मसल कर हाथों को सूंघ लें। खां में बकरी देखो तो रिजक आता है। गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। पट्ठों को कुवत देनी है और मजबूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरी के पाए खाएं। चेहरे पर खीरा रगड़ने से चेहरे की झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती हैं। बदन में कुवत पैदा करने वाली चीजों में हल्दी वाला दूध रोजाना इस्तेमाल करें। दालचीनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा शहद दूध में डालकर पी लें। दूध में सौंफ शामिल करके पी लिया करें। दूसरे दिन साबूदाना जरूर खाएं। दही में लहसुन डालकर खा लिया करें। नाजरीन, अपने घर के कोनों के अंदर या रज़ा को 10 मरतबा पढ़कर दान करें। इससे रिजल्ट बढ़ जाएगा और घर में बरकत आ जाती है। किशमिश मेदे की तजाबियत काम करती है। जोड़ों के मराज, बालों का गिरना और कैंसर तक का खतरा हो तो किशमिश खाएं। ज्यादा देर तक जागना दिमाग को कमजोर कर देता है। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान जादू टोने से बचा रहता है। नाजरीन, 1 किलो जैतून के तेल में 100 ग्राम हल्दी पकाएं। जब हल्दी तकरीबन जल जाए तो छानकर किसी शीशी में महफूज कर लें। हर खाने के बाद चंद कतरे 1/2 गिलास पानी में डालकर पी लें। इसे कुछ अर्सा जारी रखें, इंशाल्लाह कैंसर का नामो निशान मिट जाएगा। कैंसर चाहे किसी भी किस्म का हो, इस नुस्खे से इंशाल्लाह मुकम्मल शफा होगी। मोटी औरत सोने से कबल नाक में लहसुन का कतरा डाल दिया करे। इससे चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वो हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट नजर आएगी। सिरी पाए दिमागी ताकत का खजाना है। सांस की तकलीफ या एलर्जी हो तो अदरक वाली चाय जादुई तौर पर काम करती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगा लेने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ या दाश बच जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेगी। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। करेले की सब्जी खाओ, आप सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिप जाए तो फौरी नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लो, एलर्जी खत्म हो जाएगी। किसी का दिल ना दिखाओ क्योंकि तुम भी दिल रखते हो। वजन को कम करने के लिए अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल करें। अगर किसी इंसान को दिल के दर्द का मसला है तो वो मिट्टी के बर्तन में पानी पी लिया करे। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोजाना खजूरें खाएं। 1 हफ्ते में 1 दिन में आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द नहीं होता। मेदे के लिए आबे हयात है। खाना खाने के बाद फौरी 1 छोटा सा चम्मच शहद खा लेने से खट्टी डकारें बदहजमी नहीं होगी। जब आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो आपका मेदा कमजोर हो जाता है। जो रोजाना सेब का रस पीता है इसकी जिल तरोताजा और चमकदार रहती है। अगर किसी को तजाबियत की शिकायत है तो गुड़ और अजवाइन का इस्तेमाल करें। 100 अजवाइन 30 ग्राम इन चीजों का सफूफ बनाएं। जब भी खाना खाए तो इसको सालन में 1 चुटकी छिड़क लें, इंशाल्लाह शफा होगी। मेथी दाना का इस्तेमाल सीने की जलन बलगम की बीमारी को दूर करता है। पट्ठों के खिंचाव दर्द के लिए बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत सवारो, इससे तो मट्टी में मिल जाना है। सवारना है तो अपनी रूह को सवारो क्योंकि इसे अल्लाह ताला के पास जाना है। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाए, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ और मजबूत रहते हैं। लकड़ी की कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से दिमाग कमजोर हो जाता है। गर्म चीजें खाने से दिल कमजोर होता है। चाय ज्यादा पीने से आपकी जिल्द खराब होती है और नजर कमजोर होती है। नहारू लस्सी पीने से बाल मजबूत होते हैं। टींडे की सब्जी खाने से जहनी दबाव खत्म हो जाता है।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।